नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको मेरे जो अनार का प्लांट है, मैं करीबन 4 महीना हुआ उसको प्लांटेशन किया, तो उसको जो उसका जो फ्रूट है आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगा। तो चलिए बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जो सफ़ेदा आप देख रहे हैं, ये करीबन अभी जो फ्रूटिंग चल रहा है, ये आप देख रहे हैं पूरा जो पौधा है मेरा, ये मैं पॉट में ग्रो कर रहा हूँ, तो इसमें भी सफ़ेदा का जो अभी फ्रूटिंग है ये लगभग आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ये ज़्यादातर मतलब ये देखिए, ये मतलब आधा साइज़ हो गया अभी, इससे भी मतलब बड़ा होता है। तो अभी करीबन 20-25 जो है सफ़ेदा इस बार लगा हुआ है, तो ये करीबन तीन साल से मतलब जो है ये फ्रूटिंग कर रहा है। मेरा जो पोमेग्रेनेट अनार का प्लांट है वो ये है, ये देखिए मैंने 4 महीना पहले जो है इसको प्लांटेशन किया, उसका भी कैसे मैंने इसको प्लांटेशन किया इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको देखना है कैसे मैंने इसको प्लांटेशन किया, कैसा सॉइल था, ये सारे जानने के लिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये 4 महीने का जो प्लांट है आप देख रहे हैं कितना अच्छा बूटी बना है, और कितना ये इसका हाइट भी कम से कम 4 फीट का करीबन हो गया, 4 से 4.5 फीट करीबन हाइट भी हो गया। तो दोस्तों इसको एक ही जो है मैंने मतलब शुरू से लेके जैसे मतलब इसका जो ब्रांचेस निकलता था तो मैंने इसको प्रूनिंग कर देता था। ये देखिए ये जो आप जैसे ये लंबा ब्रांच है तो इसको मैं यहीं से काट दूंगा, तो ऐसे करके जो है ये मतलब पिंचिंग करने से इसको ये बुशी बन जाता है। तो दोस्तों इसका जो फ्रूटिंग है ये जो पहला फ्रूटिंग है इसका मैं आपको दिखाऊँगा। पहला फ्रूटिंग में जो है मैंने इसमें बहुत सारा ये फ्लावर आया था, तो फ्लावर जो है मैंने ज़्यादातर तोड़ दिया, क्योंकि आप जब ये पहली बार फ्रूटिंग आता है जब फ्लावरिंग करते हैं तो उसको रखना नहीं चाहिए, उसको अगर तोड़ देंगे तो ये प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा बुशी भी बनता है। तो दोस्तों चलिए, मैंने सारे तो तोड़ दिया था लेकिन एक जो है मैंने उसको छोड़ दिया, बोले चलिए कम से कम एक तो अनार मुझे मतलब कहना देखना है कि कैसा है। तो दोस्तों चलिए मैं अभी जो है उस अनार को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो अनार आप देख रहे हैं ये साइज़ मीडियम का है, मीडियम साइज़ का है। अब पता नहीं आगे जाके ये कैसा मतलब ये फ्रूटिंग करेगा, तो फ़िलहाल जो है मुझे लगता है ये अभी पक गया है, तो इसको मैं आज हार्वेस्टिंग करता हूँ और मैं आपको भी ये तोड़ के भी दिखाऊंगा कि ये कैसा है अंदर से। तो पता नहीं ये कलर तो आप देख रहे हैं कि क्या जो आप देख रहे हैं कितना लाल मतलब ऊपर से लाल हो गया, तो मुझे तो लग रहा है कि ये पक गया। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। ये देखिए उसके बाद मैं आपको इसको मतलब जो है काट के दिखाता हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है ये पिंक वाला है, रेड वाला नहीं है। तो ये देखिए मतलब छोटा छोटा दाना है। चलिए आप थोड़ा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कैसा है। ज़्यादा मीठा नहीं है, थोड़ा सा मतलब खट्टा टाइप है। तो ये मेरे ख्याल से और भी पकना था इसको, तो चलिए और कुछ दिन अगर रह जाता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। तो ऊपर से तो ये लाल हो गया था, नेक्स्ट सीजन में इसका फ्लावरिंग मतलब कहना अच्छा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा फ्रूटिंग भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।